राज्य की भाजपा सरकार द्वारा चुनाव पूर्व प्रदेश में सरकार बनने पर महतारी वंदन योजना शुरू करने की बात कही गई थी, जो अब क्रियान्वित हो रही है। इसके लिए चॉइस सेंटर में एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में इसके पंजीयन फार्म उपलब्ध कराए गए हैं, जिसे हितग्राही को भरकर मांगे गए सभी दस्तावेज की छाया प्रति लगाकर एक स्व घोषणा पत्र भरकर आंगनबाड़ी केंद्रों में ही जमा करना है। इसके बाद इन सभी भरे हुए फॉर्म का सत्यापन करने के पश्चात ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तत्पश्चात संभवतः मार्च महीने से इस योजना से मिलने वाले 1,000 प्रतिमा हितग्राहियों के खाते में आने प्रारंभ हो जाएंगे। इसके लिए शिविर लगाने की बातें भी कही जा रही है। राज्य शासन ने महतारी मंदन योजना का अभी ऑनलाइन एक गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार महिला जो घर की मुखिया है, महिला गृहिणियों को जो विवाहित है, 21 वर्ष की उम्र हो, विवाहित हो, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और उसमें तलाकशुदा परित्यक्ता को भी शामिल किया गया है। ऐसी महिला जो तलाकशुदा है और जो जिनके पति का मृत्यु हो चुका है, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। हाँ, शिविर 5 तारीख से, जैसा कि शासन का गाइडलाइन है, उस हिसाब से 5 तारीख से आवेदन ऑनलाइन भरना शुरू हो गया है। ऑफलाइन की तैयारी चल रही है, नगर निगम भिलाई ने अभी तैयारी करके रखा है। महिला एवं बाल विकास इसके नोडल हैं, तो महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी तिवारी मैडम के साथ बैठ के नगर निगम भिलाई इस योजना पूरा रूप मैप बना के उसको धरातल पे ले आएगी।